नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी खाना देसी व्लॉग में। तो आज जो मैं एक सूजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसके लिए ना ही तो हमें मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत है और ना ही ऑयल, बटर, इनो और ना ही ओवन की ज़रूरत है। बड़ी आसानी से घर पर रखी चार चीज़ों से आप ये केक बना पाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल वनीला केक के जैसा है। इतना परफेक्ट केक आप भी अपने घर की कढ़ाई में बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी जल्दी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये केक बनाने के लिए आप एक बाउल ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए एक कटोरी बिल्कुल गर्मा गर्म दूध। तो दूध को आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम 1/3 कटोरी चीनी। तो चीनी आप थोड़ी घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, और फिर इन चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। तो आप कोई कटोरी या फिर कप सेट कर लीजिए जिससे कि आप सारा मेजरमेंट कर पाएँ। तो मैंने एक कटोरी दूध लिया है और 1/3 कप चीनी। अच्छे से घुलने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। तो ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, तो आपको बिल्कुल बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर सूजी बारीक आपके पास नहीं है तो फिर आप ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा उसमें पीस लीजिए, सूजी बारीक हो जाएगी और बहुत ही आसानी से मार्केट में भी आपको मिल जाती है। तो अभी गर्मा गर्म दूध में ये सूजी डालते जाइए और इसे मिलाते जाइए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद आपको तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि सूजी दूध में अच्छे से फूल जाए और दूध को सोख ले। तो बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसे ढक कर के रख देंगे और तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो केक कढ़ाई में बनाने वाले हैं इसलिए गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके बिल्कुल सेंटर में कटोरी रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं और फिर ढक्कन लगा करके इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अभी जिस बर्तन में हम केक बनाने वाले हैं उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन लिया है, मैं इसके अंदर केक बनाने वाली हूँ। आप कोई भी इस तरह का बर्तन ले सकते हैं और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, या फिर आप घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। लेकिन जो आप ऑयल ले रहे हैं वो फ्लेवरलेस होना चाहिए, उसमें अपना कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे मैदा और मैदा से अच्छे से कोट कर देंगे ताकि केक बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इस तरह से आपको मैदा डाल के इसे हर तरफ से अच्छे से कोट कर लेना है, क्योंकि हम कोई बटर पेपर यूज नहीं करने वाले हैं। इसे बस इसी तरह से बैटर को डाल के केक बनाने वाले हैं। इससे केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से केक निकल जाएगा। और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा मैदा बचती है उसे निकाल लीजिए। तो अभी बैटर को भी रखे हुए इधर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि सूजी ने दूध को अच्छे से सोख लिया है और ये दूध में अच्छे से फूल भी गई है। तो गर्म दूध में डालने से यही फ़ायदा होता है कि आपको बाकी चीज़ें नहीं डालनी होती है और केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो बस आप इस तरह इसे मिला लीजिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की आपको रखनी है। अगर आप पूरे मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी केक बनाने में। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, बस इसी तरह की हमें चाहिए। अब इसके अंदर फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी केक में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए। और अब इसके अंदर डालेंगे हम जो खाने वाली चम्मच होती है वो आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से आधी चम्मच ली है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें एक सैसे इनो का भी डाल सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। फिर इसे आप अच्छे से मिला लीजिए और इस समय आपको इसे बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मिलाना है कि ये जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए बिल्कुल हल्के हाथ से। और फिर बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद ही जो बर्तन हमने ग्रीस करके रखा था और मैदा से कोट करके रखा था केक बनाने के लिए उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसे तुरंत ही पकने के लिए रख दीजिए। इस समय आपको इसे बिल्कुल भी रेस्ट पर नहीं रखना है। तो ऊपर से मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये कढ़ाई भी इधर अच्छे से गर्म हो गई है। अभी सावधानी से इस बैटर को कढ़ाई के अंदर रख देंगे और ढक्कन लगा करके तकरीबन 40 से 45 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो किया है, लेकिन आप एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिए बीच में, क्योंकि गैस की फ्लेम के ऊपर भी हो जाता है किसी में कम या ज़्यादा। लेकिन मैंने इस तरह की फ्लेम पे इसे तकरीबन 45 मिनट तक पकाया है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि केक अच्छे से पका है या नहीं। तो मैंने इस तरह से टूथपिक ली है और टूथपिक इसके बिल्कुल सेंटर में डालेंगे और इसे निकाल कर देखेंगे कि ये क्लीन है या नहीं। अगर टूथपिक क्लीन निकल रही है तो मतलब केक पक चुका है। अगर टूथपिक क्लीन नहीं निकलती है तो आप इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए फिर पका लीजिए।
तो इसे अभी कपड़े से बिल्कुल सावधानी से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर ठंडा होने के बाद इस तरह से आप थोड़ा हाथ से टैप कर दीजिए, इससे बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा चिपका हुआ है तो एक चाकू लेके इस तरह से आप इसे चारों तरफ से घुमा लीजिए। एक एक निकालने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अभी ये चारों तरफ से घुमाने के बाद एक प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर इसे पलट लेंगे। तो बस हल्के हाथ से इस तरह से टैप कीजिए और ये देखिए कितना परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसके बैक साइड पे भी थोड़ी सी बादाम के कतरन डाल देंगे तो आप साइड से भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पका हुआ है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो मैं यहाँ पे आपके काट के भी दिखाती हूँ, तो आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि केक एकदम से परफेक्ट बना है। तो आप भी अगर ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो पहली बार में ही आपका केक एकदम से परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बन करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए आपको दबाने से ही पता चल रहा है ना कि कितना स्पंजी है। तो मैं आपको यहाँ पर तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्स्चर कितना अच्छा है, बिल्कुल जैसे वनीला केक होते हैं ना उस तरह का। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।